और आज मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है और इसके तहत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में सड़क, आवास, आंगनवाड़ी का लाभ मिलेगा। विशेष जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र की फंडिंग से आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे, साथ ही यहां छात्रावास भी बनाए जाएंगे। तो इनमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसके लिए अलग से बजट आवंटित करने का फैसला किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले प्रोफेसर्स के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेज भी इसी सत्र से शुरू होंगे। आपको बता दें कि विशेष जनजाति केंद्र की भागीदारी से इसका विकास होगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना को हरी झंडी। कैबिनेट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग से बजट लाइन खोले जाने हेतु और इस पूरे राशि को मंजूर करने के लिए मंजूरी दी है। विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मापदंड हैं उसके अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पिछड़ी विशेष जनजातियों की 100 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही वहां पर रहने वाले आदिवासी के मकान यदि प्रधानमंत्री आवास से स्वीकृत नहीं किए हैं तो उसको भी मिशन मोड में स्वीकृत किए जाएंगे। प्रति हितग्राही आवास निर्माण के लिए 2,00,000 रुपये दिए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में संशोधन का भी एक प्रस्ताव मंजूर हुआ है। अगले 5 साल के लिए जो पदोन्नत से भरे जाते थे प्रोफेसर के, उसको अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा क्योंकि हम 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट के द्वारा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली 15 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमन अभियान का शुभारंभ किया और उस अभियान के तहत जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उनको किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए इसको लेकर प्रमुख जो है वो एक अभियान से कहा जा सकता है और उसको वो योजना मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार कैबिनेट में इस बात को प्रस्ताव लाया गया था, उसको हरी झंडी मिल चुकी है। यानी जो तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वह आवास की हो या फिर जो दूसरी अन्य योजनाएं, उनका कैसे जनजातीय वर्ग के लोगों को पहुंचाया जाए, उनके जीवन स्तर में किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए, इस दिशा में एक बड़ा निर्णय ये कहा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कि आदिवासी इलाकों में छोटे छोटे टोले मजरों में रहते थे, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में सड़कों का बेहद अभाव था। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि यदि एक मजरे टोले में 100 लोग भी रहते हैं तो ऐसे गांव को अब मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उन गांवों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के 5 और ऐसे नए जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। आगर मालवा में लॉ कॉलेज की स्थापना की जानी है, ये बेहद महत्वपूर्ण है चिकित्सा के लिहाज से अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार या पर कहे केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर बिल्कुल ये योजनाएं आम लोगों तक इसका लाभ पहुंचे इसी मकसद से ये शुरू की जा रही है। फिर 5 मेडिकल कॉलेजेस का खुलना निश्चित रूप से न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि यहां के रहवासियों के लिए भी काफी लाभदायक होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे, दिल्ली में एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मुलाकात कर उन्होंने पन्ना खजुराहो में सड़क के विकास और विस्तार के लिए पत्र सौंपा। खजुराहो में रिंग रोड निर्माण के साथ ही उन्होंने बाईपास बनाए जाने का भी आग्रह किया और मुलाकात की कुछ तस्वीर भी सामने आई है। केंद्रीय परिवहन सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।